हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या जैन, आपका स्वागत है मेरे चैनल वेज टू वेज में। आज हम बनाएंगे पिज्जा लॉलीपॉप। इसे बनाने का तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ब्रेड। मैंने यहाँ ब्राउन ब्रेड लिया है, आप अपने पसंद का कोई भी ब्रेड ले सकते हो। अब हमें ब्रेड के कोने कट करने हैं। ये देखिए, हमें ब्रेड के कोने इस तरीके से कट करने हैं। आप देख सकते हो कि मैंने इसे नीचे तक कट नहीं किया है। हमें सारे कोने को इस तरीके से कट करना है कि सारे कोने जॉइंट ही रहे। अब नेक्स्ट टाइम आप ब्रेड के कोने कट करो तो उसे इस तरीके से कट करें। अब ये ब्रेड को हम साइड में रख देंगे। हम ये ब्रेड के कोने से बनाने वाले हैं पिज्जा लॉलीपॉप। अब इन्हें ऐसे राउंड राउंड रोल कर देंगे। हमें इन्हें बहुत ही हल्के हाथ से रोल करना है और बहुत ही आराम से करना है, नहीं तो ये टूट सकता है। अब इस पे हम लगा देंगे वुडन स्टिक ताकि ये लॉलीपॉप टाइप हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। हमें ये स्टिक को भी बहुत ध्यान से लगाना है। ये देखिए ये रेडी है। अब आगे हमें ये करना है कि इसके ऊपर हम डाल देंगे बहुत सारा ग्रेट किया हुआ चीज। चीज डालने से पहले आप इसके ऊपर पिज्जा सॉस भी लगा सकते हो, जो मैंने नहीं लगाया है। पिज्जा सॉस के बिना भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अब इस पर रख देंगे फाइनली चॉप टमाटर। अब रखेंगे फाइनली चॉप ऑनियन। अब रखेंगे फाइनली चॉप शिमला मिर्ची। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे ग्रेट किया हुआ चीज। ये देखिए ये रेडी है। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। अब हम इन्हें बेक करेंगे। मैंने पहले ही तवे को गर्म करने के लिए रख दिया था। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब पिज्जा लॉलीपॉप को इनके ऊपर रख देंगे। अब 5 मिनट के लिए हम इन्हें कवर करके बेक करेंगे। ये रेडी है। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। अब इनके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा चिली फ्लेक्स। ओरिगेनो और गार्निशिंग के लिए थोड़ा फाइनली चॉप धनिया। ये देखिए पिज्जा लॉलीपॉप रेडी है। ये दिखने में कितने अच्छे दिख रहे हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हर बार हम सोचते हैं कि ये ब्रेड के कोने का क्या करें। अब इस तरीके से आप भी पिज्जा लॉलीपॉप बनाइए और अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को सरप्राइज कीजिए और अपने अनुभव मुझे कमेंट करना ना भूलें। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching my video.